चैप्टर 10 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। प्रश्न 13, स्प्रेडशीट से क्या आशय है? एमएस एक्सेल की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज स्प्रेडशीट? एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेल। उत्तर, एक वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनी होती है तथा इसका प्रयोग गणितीय वित्तीय डाटा को संग्रहित करने तथा उसकी तुलना करने हेतु किया जाता है। पूर्व में वर्कशीट कागज पर बनाई जाती थी, परंतु वर्तमान में उन्हें ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा बनाया जाता है तथा मेंटेन किया जाता है जो गणितीय सूचनाओं को रो तथा कॉलम के रूप में प्रदर्शित करता है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट का प्रयोग हर उस क्षेत्र में किया जाता है जहां पर अंकों का कार्य किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग अकाउंटिंग, बजट, विक्रय अनुमान, वित्तीय विश्लेषण तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आधारित स्प्रेडशीट को तीव्रता से डाटा परिवर्तन तथा स्वतः गणना एवं तुलना करने की क्षमता होती है। एक्सेल की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अत्यधिक शक्तिशाली तथा आसान स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें कई विशेषताएं हैं जो कि आंकड़ों से संबंधित जटिल कार्य को भी आसान बना देती है। एक्सेल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं। पहला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक्सेल यूजर के साथ अंतर क्रिया हेतु एक आसान माध्यम उपलब्ध कराता है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। सभी निर्देशों तथा अन्य सुविधाएं मेन्यू, टूलबार तथा अन्य ग्राफिकल अवयवों के माध्यम से प्रयोग में लाई जा सकती हैं। दूसरा, फॉर्मूला व फंक्शन। एक्सेल में कई आंतरिक फॉर्मूला तथा फंक्शन होते हैं जो कि किसी यूजर द्वारा बार बार की जाने वाली गणनाओं में लगने वाले बहुमूल्य समय को बचाते हैं। एक्सेल में फंक्शंस उनकी कार्य विधि के अनुसार कई समूहों में विभाजित होते हैं, जैसे गणितीय या ज्यामितीय, वित्तीय, शाब्दिक आदि। अगला, स्वतः गणना। एक्सेल में किसी फॉर्मूला या फंक्शन के परिणाम को स्वतः गणना करने की क्षमता होती है। जब भी यूजर किसी ऐसी वैल्यू को बदलता है जिस पर किसी फंक्शन अथवा फॉर्मूले का परिणाम निर्भर करता है, तब एक्सेल इस परिणाम की पुनर्गणना स्वतः ही कर लेता है। अगला, एड्रेसिंग विधियां। एक्सेल किसी फॉर्मूला अथवा फंक्शन में सेल के संदर्भ को बताने हेतु दो विधियों का प्रयोग करता है, एब्सोल्यूट निरपेक्ष तथा रिलेटिव सापेक्ष। जब रिलेटिव एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है तब फॉर्मूला अथवा फंक्शन को स्थानांतरित या कॉपी करने पर उसमें प्रयुक्त संदर्भ स्वतः ही बदल जाता है। इसके अतिरिक्त यूजर आवश्यकता पड़ने पर एब्सोल्यूट संदर्भों का प्रयोग भी कर सकता है जो कि फॉर्मूला अथवा फंक्शन के स्थान को बदलने पर भी स्थिर रहता है। अगला, चार्ट्स। एक्सेल आंकड़ों को चार्ट्स के रूप में प्रदर्शित करने की सुविधा भी प्रदान करता है जिसे आंकड़ों की अपेक्षा आसानी से समझा जा सकता है। एक्सेल में चार्ट निर्माण की प्रक्रिया अत्यधिक सरल होती है। इस प्रक्रिया को चार्ट विजार्ड के कुछ सरल निर्देशों का पालन कर पूरा किया जा सकता है। सिक्स्थ और आखिरी है, डेटाबेस। एक्सेल को सरल एप्लीकेशन हेतु डेटाबेस के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि एक्सेल एक संपूर्ण डीबीएमएस नहीं है, परंतु यह कुछ सुविधाएं जैसे फिल्टर, सब टोटल, सॉर्टिंग आदि प्रदान करता है जिन्हें डाटा को व्यवस्थित करने, बदलने तथा उस पर आधारित जानकारियां प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न 14, एमएस एक्सेल में आपने
कार्य किस प्रकार करेंगे? ए वर्कबुक का निर्माण, बी डेटा की एंट्री, सी वर्कबुक सेव करना, डी वर्कबुक बंद करना। हाउ डू यू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क इन एमएस एक्सेल? ए क्रिएटिंग अ वर्कबुक, बी एंटरिंग द डेटा, सी सेविंग अ वर्कबुक, डी क्लोजिंग द वर्कबुक। उत्तर ए वर्कबुक का निर्माण। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अत्यधिक शक्तिशाली तथा आसान स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें कई विशेषताएं हैं जो कि आंकड़ों से संबंधित जटिल कार्य को भी आसान बना देती है। जब भी हम एक्सेल का प्रोग्राम शुरू करते हैं, तभी स्क्रीन पर एक नई वर्कबुक दिखाई देती है। एक वर्कबुक एक या अधिक वर्कशीट का समूह होती है। एक वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनी है। रो वर्कशीट के क्षैतिज भाग तथा कॉलम ऊर्ध्व भागों को कहा जाता है। एक एक्सेल की शीट में 16384 16384 कॉलम तथा 104856 यानी 10,48,576 रो होती है। किसी वर्कबुक में वर्कशीट की अधिकतम संख्या कंप्यूटर की मेमोरी तथा अन्य संसाधनों पर निर्भर करती है। एक एक्सेल वर्कशीट में रो तथा कॉलम के परिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। रो को उनके नंबर जैसे 1, 2, 3 आदि से पहचाना जाता है और कॉलम को अक्षर ABCD आदि से पहचाना जाता है। एक सेल का नाम कॉलम के अक्षर तथा रो के अंक से मिलकर बनता है, जिसके द्वारा वर्कशीट में उसकी स्थिति ज्ञात होती है। उदाहरण के लिए A1 सेल कॉलम A तथा रो 1 के परिच्छेद बिंदु पर होगी। एक्सेल वर्कशीट पर चयनित सेल एक आयताकार बॉक्स द्वारा प्रदर्शित होता है। बी वर्कशीट में डाटा की एंट्री। वर्कशीट की किसी भी सेल में डाटा लिखने हेतु निम्न प्रक्रिया होती है। पहली, डाटा को सीधे कीबोर्ड द्वारा चयनित सेल में लिखा जा सकता है। जैसे जैसे हम कीबोर्ड से अक्षरों को टाइप करते हैं, वैसे वैसे वे सेल में दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही हम किसी अन्य सेल पर ले जाते हैं यह डाटा सेल में अपने आप संग्रहित हो जाता है। दूसरा, वांछित सेल को चयन कर डाटा को फॉर्मूला बार की सहायता से भी लिखा जा सकता है। आखिरी, किसी चयनित सेल पर माउस से डबल क्लिक कर अथवा F2 कुंजी को दबाकर या फॉर्मूला बार से प्रेस कर उसमें उपलब्ध डाटा को बदला जा सकता है। सी वर्कबुक को सेव करना। किसी भी वर्कशीट को स्थायी रूप से सेव करने हेतु वर्कबुक को सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण पर सेव करना आवश्यक है। एक एक्सेल की वर्कबुक की फाइल का एक्सटेंशन .xls होता है। वर्कबुक को सेव करने हेतु विभिन्न चरण हैं। पहला, फाइल टैब पर उपलब्ध सेव अथवा सेव एस निर्देश पर क्लिक करें। यदि आप वर्कबुक को पहली बार सेव कर रहे हैं, तब आपके समक्ष सेव एक्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। दूसरा, इस डायलॉग बॉक्स की सेव इन लिस्ट में उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर वर्कबुक सेव करना है। तीसरा, इसके पश्चात फोल्डर लिस्ट बॉक्स में से उस फोल्डर को खोल लीजिए जहां वर्कबुक सेव करना है। चौथा, फाइल नेम के बॉक्स में वर्कबुक का नाम टाइप कीजिए। आखिरी, सेव के बटन पर क्लिक कीजिए। डी वर्कबुक को बंद करना। किसी वर्कबुक को बंद करने हेतु फाइल टैब से क्लोज निर्देश पर क्लिक करें अथवा मेन्यू बार के दाएं कोने पर उपलब्ध क्लोज के बटन के द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। एक साथ खुली हुई वर्कबुक्स को बंद करने के लिए फाइल टैब के एग्जिट निर्देश पर अथवा टाइटल बार पर उपलब्ध क्लोज के बटन पर क्लिक कीजिए। प्रश्न 15।
एक वर्कशीट में निम्न प्रक्रियाएं आप किस प्रकार संपन्न करेंगे। ए वर्कबुक को कॉपी अथवा मूव करना, बी वर्कबुक का नाम परिवर्तित करना, सी वर्कबुक जोड़ना, डी वर्कबुक डिलीट करना। हाउ डू यू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ वर्कशीट। ए कॉपी और मूव वर्कशीट, बी रीनेम अ वर्कशीट, सी इंसर्टिंग अ वर्कशीट, डी डिलीट अ वर्कशीट। उत्तर ए वर्कबुक को कॉपी अथवा मूव करना। एक वर्कबुक एक या अधिक वर्कशीट का समूह होती है। एक वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनी होती है। रो वर्कशीट के क्षैतिज भाग को तथा कॉलम ऊर्ध्व भाग को कहा जाता है। एक एक्सेल की वर्कशीट में 16,384 कॉलम तथा 10,48,576 रो होती है। किसी वर्कबुक में वर्कशीट की अधिकतम संख्या कंप्यूटर की मेमोरी तथा अन्य संसाधनों पर निर्भर करती है। एक एक्सेल वर्कशीट में रो तथा कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। रो को उनके नंबर जैसे 1, 2, 3 आदि से पहचाना जाता है तथा कॉलमों को अक्षरों जैसे ABCD से पहचाना जाता है। एक सेल का नाम कॉलम के अक्षर तथा रो के अंक से मिलकर बना है, जिसके द्वारा वर्कशीट में इसकी स्थिति ज्ञात होती है। वर्कशीट को कॉपी अथवा मूव करने की प्रक्रिया में लगभग एक समान चरणों का प्रयोग किया जाता है। कॉपी करते समय मूव और कॉपी डायलॉग बॉक्स के क्रिएट अ कॉपी के विकल्प को चयनित करना होता है तथा मूव करते वक्त इस पर से चयन हटाना होता है। वर्कशीट को कॉपी अथवा मूव करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। पहला, उस वर्कशीट को का चयन करें जिसको कॉपी या मूव करना है। दूसरा, होम रिबन के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट लिस्ट से अथवा वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक कर मूव व कॉपी विकल्प का चयन करें। इसके पश्चात आपके समक्ष कॉपी और मूव का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। तीसरा, यदि आप वर्कशीट को किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी करना चाहते हैं तब उस वर्कबुक का नाम टू बुक लिस्ट में चयन करें। ऐसा करते समय उस वर्कबुक का खुला होना आवश्यक है। अगला, बिफोर शीट की लिस्ट में उस वर्कशीट के नाम का चयन करें जिसके आगे इस वर्कशीट को जोड़ना है। अगला, यदि आप वर्कशीट को कॉपी करना चाहते हैं तो यह निश्चित कर लें कि क्रिएट अ कॉपी का विकल्प चयनित हो। शीट को मूव करते समय इसे अचयनित अवस्था में रखें। आखिरी, ओके पर क्लिक करें। एक या अधिक वर्कशीट को कॉपी अथवा मूव करने के लिए सभी वांछित वर्कशीट को कंट्रोल कुंजी दबाकर रखे हुए माउस के द्वारा चयनित करें तथा इसके पश्चात ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करें। किसी वर्कशीट को उसी वर्कबुक में कॉपी अथवा मूव करने हेतु एक तीव्र युक्ति भी उपलब्ध है। मूव करने के लिए वर्कशीट का चयन करें तथा उस वर्कशीट टैब को माउस के द्वारा ड्रैग कर नए स्थान पर छोड़ दें। कॉपी करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को कंट्रोल कुंजी दबाए रखकर करें। बी वर्कशीट का नाम परिवर्तन। हम एक्सेल की विंडो में नीचे दिखने वाले वर्कशीट टैब के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जिनका नाम Sheet 1, Sheet 2 तथा Sheet 3 होता है, परंतु यह नाम अधिक उपयोग में नहीं आते। एक्सेल हमें वर्कबुक में उपलब्ध वर्कशीट की एक उपयुक्त नाम प्रदान करने की सुविधा देता है। एक सही नाम देकर हम वर्कशीट को शीघ्रता से ढूंढ सकते हैं। किसी भी वर्कशीट का नाम परिवर्तन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, वर्कशीट के नाम पर माउस से डबल क्लिक करके।
दूसरा वर्कशीट के नाम पर माउस से राइट क्लिक कर प्रदर्शित पॉपअप मेन्यू में से रीनेम के विकल्प का चयन करके, तीसरा नाम परिवर्तन की जाने वाली वर्कशीट का चयन कर होम रिबिन के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट लिस्ट से रीनेम शीट का विकल्प चयन करके। उपरोक्त में से किसी भी विधि का प्रयोग करके हम एक्सेल वर्कशीट के नाम का को बदल सकते हैं और तथा अब आप वर्कशीट को नया नाम दे सकते हैं। नया नाम देने के पश्चात एंटर कुंजी दबाएं अथवा स्क्रीन पर कहीं क्लिक करें, इससे वर्कशीट का नाम परिवर्तित हो जाएगा। एक वर्कशीट के नाम में अधिकतम 31 अक्षर हो सकते हैं 31, तथा यह नाम स्पेस सहित किन्हीं भी अक्षरों को मिलाकर बना हो सकता है। सी, नई शीट जोड़ना। जब भी हम एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तब उसमें 3 वर्कशीट अपने आप रहती है। एक्सेल में आवश्यकता होने पर नई वर्कशीट जोड़ी जा सकती है। नई वर्कशीट जोड़ने हेतु आप होम रिबन के सेल ग्रुप की इंसर्ट लिस्ट से इंसर्ट शीट के विकल्प का चयन करें। नई वर्कशीट जुड़ते ही उसका टैब वर्तमान वर्कशीट के टैब के आगे दिखाई देने लगता है। नई वर्कशीट का नाम शीट 4, शीट 5 इस प्रकार क्रमानुसार मिलता जाता है। एक से अधिक वर्कशीट जोड़ने हेतु कंट्रोल कुंजी को दबाए रख माउस से उतनी शीट का चयन कर लीजिए जितनी नई शीट जोड़ना है। इसके पश्चात होम रिबन के सेल ग्रुप की इंसर्ट लिस्ट से इंसर्ट शीट के वर्कशीट विकल्प का चयन कर लीजिए। डी, वर्कशीट को हटाना। एक वर्कबुक से किसी भी वर्कशीट को हटाया जा सकता है, चाहे इसमें डाटा लिखा हो या नहीं। वर्कबुक से सभी वर्कशीट को नहीं हटाया जा सकता। किसी भी समय वर्कबुक में कम से कम एक वर्कशीट होना आवश्यक है। एक या अधिक वर्कशीट हटाने हेतु पहला, उन शीटों का चयन करें जिन्हें हटाना है। दूसरा, होम रिबन के सेल्स ग्रुप से के डिलीट लिस्ट से डिलीट शीट के विकल्प का चयन करें। तीसरा, यदि वर्कशीट में कुछ जानकारी लिखी हुई है तो अनुमति प्राप्त करने हेतु डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। चौथा, वर्कशीट को डाटा सहित हटाने हेतु इस डायलॉग बॉक्स के डिलीट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके अतिरिक्त वर्कशीट को हटाने हेतु वर्कशीट टैब पर माउस से राइट क्लिक कर पॉपअप मेन्यू से डिलीट के विकल्प का चयन भी किया जा सकता है। प्रश्न 16, किसी एक्सेल शीट में आप एक सेल किस प्रकार जोड़ सकते हैं? हाउ कैन यू इंसर्ट सेल्स इन अ वर्कशीट एक्सेल शीट? उत्तर, एक्सेल वर्कशीट किसी सेल के ऊपर या बाई ओर सेल्स जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। जब एक खाली सेल जोड़ी जाती है तो अन्य सेल उसी कॉलम के नीचे अथवा उसी रो में दाई ओर स्थानांतरित हो जाती है। वर्कशीट में नई सेल जोड़ने हेतु पहला, उस सेल या सेल्स की रेंज का चयन करें जहां नई सेल जोड़ना है। उतनी ही सेल सिलेक्ट करें जितनी नई सेल्स जोड़ना है। उदाहरण के लिए 4 खाली सेल्स जोड़ने के लिए 4 सेल्स को सिलेक्ट करें। दूसरा, होम टैब पर सेल्स ग्रुप के इंसर्ट सेल पर क्लिक करके इंसर्ट सेल्स पर क्लिक करें अथवा सिलेक्ट की गई सेल्स पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करें। लास्ट, साथ लगी हुई सेल्स को स्थानांतरित करने हेतु इंसर्ट सेल के डायलॉग बॉक्स में सही दिशा का चयन करें। प्रश्न 17, किसी एक्सेल शीट में आप एक कॉलम किस प्रकार जोड़ सकते हैं? हाउ कैन यू इंसर्ट कॉलम्स इन एक्सेल शीट? उत्तर, एक कॉलम जोड़ने के लिए जिस जगह नया कॉलम जोड़ना है
उस कॉलम के दाएं सेल या कॉलम को सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए कॉलम डी के आगे नया कॉलम जोड़ने के लिए कॉलम डी के किसी सेल को या कॉलम डी को सिलेक्ट करें। एक से अधिक कॉलम जोड़ने के लिए किसी जगह नए कॉलम जोड़ना है के लिए जिस जगह नए कॉलम जोड़ना है उस कॉलम के दाएं ओर उतने ही सेल्स या कॉलम को सिलेक्ट करें जितने नए कॉलम जोड़ना है। उदाहरण के लिए कॉलम ई के पहले 3 नए कॉलम जोड़ने के लिए कॉलम बी सी डी को सिलेक्ट करें। दूरस्थ कॉलम को जोड़ने के लिए कंट्रोल की को दबाए रखते हुए कॉलम को सिलेक्ट करें। होम टैब पर सेल्स ग्रुप से इंसर्ट पर क्लिक करके इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक करें। सिलेक्ट की गई सेल्स पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करने के पश्चात एंटायर कॉलम पर क्लिक करके भी आप नया कॉलम जोड़ सकते हैं। प्रश्न 18, किसी एक्सेल शीट में आप रोज किस प्रकार जोड़ सकते हैं? हाउ कैन यू इंसर्ट रोज इन एन एक्सेल शीट? उत्तर, एक रो जोड़ने के लिए उस पूरी रो या उस एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर नई रो जोड़ना है। एक से अधिक रो को जोड़ने के लिए जिस रो के ऊपर नए रो को जोड़ना है उस रो के ऊपर उतने ही सेल्स या उस रो को सिलेक्ट करें जितने नए रो जोड़ना है। उदाहरण के लिए 5 के ऊपर 3 नए रो जोड़ने के लिए 2, 3, 4 को सिलेक्ट करें। दूरस्थ रो जोड़ने के लिए कंट्रोल को दबाए रखे हुए रो को सिलेक्ट करें। होम टैब पर सेल्स ग्रुप के इंसर्ट पर क्लिक करके इंसर्ट शीट रो पर क्लिक करें। सिलेक्ट की गई रोज पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करने के पश्चात एंटायर रो पर क्लिक करके भी आप नए रो जोड़ सकते हैं। प्रश्न 19, किसी एक्सेल शीट में आप किस प्रकार सेल्स रोज अथवा कॉलम को डिलीट कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिलीट सेल्स कॉलम्स और रोज इन एक्सेल शीट? उत्तर, उन रोज कॉलम्स व सेल्स को सिलेक्ट करें जिन्हें डिलीट करना है। दूसरा, होम टैब पर सेल्स ग्रुप में डिलीट को सिलेक्ट करके निम्न में से कोई एक कार्य करें। पहला, सिलेक्ट की गई सेल्स को डिलीट करने के लिए डिलीट सेल्स पर क्लिक करें। दूसरा, सिलेक्ट की गई रोज को डिलीट करने के लिए डिलीट शीट रोज पर क्लिक करें। तीसरा, सिलेक्ट की गए कॉलम को डिलीट करने के लिए डिलीट शीट कॉलम्स पर क्लिक करें। आप सिलेक्ट की गए सेल्स पर राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू में डिलीट पर क्लिक करके उचित विकल्प का चयन कर सकते हैं। आखिरी, यदि आप सेल अथवा सेल्स की रेंज को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट डायलॉग बॉक्स में आवश्यकता अनुसार शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो अथवा एंटायर कॉलम के विकल्प पर क्लिक करें। प्रश्न 20, किसी एक्सेल शीट में आप किस प्रकार रोज अथवा कॉलम को छुपा, हाइड अथवा दिखा, अनहाइड कर सकते हैं? हाउ कैन यू हाइड एंड अनहाइड रोज एंड कॉलम्स इन एक्सेल वर्कशीट? उत्तर, कभी कभी यूजर को एक्सेल शीट में संपूर्ण रो या कॉलम को छुपाने की आवश्यकता हो सकती है। यह ऐसी सेल्स रोज व कॉलम हो सकते हैं जिसमें कुछ अतिरिक्त डेटा हो सकता है जिसे अन्य सेल में इंगित किया गया हो पर जिसे यूजर दिखाना नहीं चाहता हो। रो या कॉलम छुपाने के लिए, पहला, होम टैब पर सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करें। दूसरा, विजिबिलिटी के अंतर्गत हाइड एंड अनहाइड के पॉइंट करके हाइड रोज या हाइड कॉलम्स करें। तीसरा, सेल साइज के अंतर्गत रो हाइट अथवा रो विड्थ पर क्लिक करें तथा रो हाइट और कॉलम को के बॉक्स में 0 टाइप करें। अथवा आप एक या अधिक रोज या कॉलम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू से हाइट के विकल्प को सिलेक्ट कर सकते हैं।
प्रश्न 21 निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ए एड्रेसिंग विधियां, बी सेल रेंज। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए एड्रेसिंग मेथड्स, बी सेल रेंज। उत्तर ए एड्रेसिंग विधि। जब भी हम किसी फॉर्मूले को जिसमें किसी और सेल का संदर्भ दिया गया है किसी अन्य स्थान पर कॉपी करते हैं तब नए स्थान के अनुसार सारे संदर्भ स्वतः ही परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की एड्रेसिंग को एक्सेल में रिलेटिव सापेक्ष एड्रेसिंग कहा जाता है। परंतु कई बार हमें ऐसी आवश्यकता भी होती है कि किसी फॉर्मूले को कॉपी करने पर उसमें दिए गए संदर्भ स्थान के अनुसार परिवर्तन ना हो। इस हेतु हमें एक नए एड्रेसिंग विधि का प्रयोग करना होता है जिसे एब्सोल्यूट या निरपेक्ष एड्रेसिंग विधि कहा जाता है। किसी भी रो कॉलम अथवा सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए डॉलर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि डॉलर का चिन्ह कॉलम के नाम अथवा रो की संख्या के आगे लगा दिया जाए तब इसका अर्थ यह होता है कि यह कॉलम का नाम अथवा रो की संख्या फॉर्मूले को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने पर परिवर्तन नहीं होगी। यदि इस चिन्ह को रो की संख्या तथा कॉलम के नाम दोनों के आगे लगा दिया जाए तब यह किसी एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को दर्शाता है। उदाहरण के लिए डॉलर A1 फॉर्मूला कॉपी करने पर कॉलम का नाम नहीं बदलेगा परंतु रो की संख्या स्थान के साथ बदल जाएगी। A$1 फॉर्मूला कॉपी करने पर रो की संख्या नहीं बदलेगी परंतु कॉलम का नाम स्थान बदल जाएगा। $A$1 सेल का नाम स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होगा। बी सेल रेंज। सामान्यतः फॉर्मूलों में सेल का संदर्भ एकांकी रूप में किया गया है जैसे A1, B1 आदि। सतत कई सेलों का संदर्भ किसी फॉर्मूले में प्रयोग करने हेतु प्रत्येक सेल का नाम अलग अलग लिखने के स्थान पर हम सेल की रेंज दे सकते हैं। एक सेल की रेंज बताने हेतु उसके प्रथम एवं अंतिम सेल के नाम के मध्य कॉलन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कॉलम ए की रो संख्या 1 से लेकर 10 तक की सेलों का संदर्भ A1:A10 द्वारा दिया जा सकता है। इसी प्रकार रो संख्या 1 के कॉलम ए से लेकर जी तक की सेलों का संदर्भ A1:G1 द्वारा दिया जा सकता है। प्रश्न 22। एक्सेल में नंबर फॉर्मेट से क्या आशय है? एक्सेल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार नंबर फॉर्मेट का वर्णन कीजिए। व्हाट इज नंबर फॉर्मेट इन एक्सेल? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर फॉर्मेट्स अवेलेबल इन एक्सेल। उत्तर, जब यूजर एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल में डाटा डालता है तब डाटा के प्रकार के अनुसार उसे प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए टेक्स्ट लेफ्ट ऑनलाइन प्रदर्शित होता है, संख्याएं दिए गए दशमलव अंकों के साथ राइट अलाइन प्रदर्शित होता है। यूजर सेल में डाटा के प्रदर्शन को परिवर्तित कर सकता है। एक्सेल यूजर को दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या ऋणात्मक अंकों में प्रदर्शित करने का तरीका आदि को नंबर फॉर्मेट द्वारा परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करता है। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले कई नंबर फॉर्मेट एक्सेल में उपलब्ध हैं। साथ ही एक्सेल यूजर को आवश्यकता अनुसार नंबर फॉर्मेट परिभाषित करने की सुविधा भी प्रदान करता है। एक्सेल में निम्न डेटा फॉर्मेट उपलब्ध है। पहला जनरल, यह सामान्य नंबर फॉर्मेट होता है जो कि यूजर द्वारा वैल्यू टाइप करने पर प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जनरल नंबर फॉर्मेट में संख्या वैसे ही प्रदर्शित होती है जैसे यूजर द्वारा दी गई होती है। दूसरा, नंबर्स।
इसका प्रयोग सामान्यतः संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। यूजर इसमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या, कॉमा विभाजक का प्रयोग तथा ऋणात्मक अंकों को प्रदर्शन को परिभाषित करता है। तीसरा, करेंसी। इसका प्रयोग सामान्य मुद्रा संबंधी संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। यह संख्याओं के साथ मुद्रा चिन्ह भी प्रदर्शित करता है। अगला, अकाउंटिंग। इस फॉर्मेट का प्रयोग भी मौद्रिक संख्याओं हेतु किया जाता है, परंतु यह मुद्रा चिन्ह तथा संख्याओं को अलग अलग लाइन में प्रदर्शित करता है। अगला, दिनांक। इसका प्रयोग यूजर के बताए अनुसार दिनांक तथा समय प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। दिनांक प्रदर्शित करने हेतु कई फॉर्मेट उपलब्ध हैं। समय। यह फॉर्मेट समय को यूजर की आवश्यकता अनुसार प्रदर्शित करता है। अगला, प्रतिशत। यह सेल की वैल्यू को 100 से गुणा कर प्रतिशत को चिन्ह के साथ प्रदर्शित करता है। यूजर इसमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या भी निर्धारित कर सकता है। फ्रैक्शन। यह संख्याओं को भिन्नांकों के रूप में प्रदर्शित करता है। अगला, साइंटिफिक। यह संख्या को घातांक के रूप में प्रदर्शित करता है। अगला, टेक्स्ट। यह फॉर्मेट सेल की वैल्यू को टेक्स्ट के रूप में रखता है तथा अंकों व शब्दों को यूजर जैसा टाइप करता है वैसा ही प्रदर्शित करता है। अगला, स्पेशल। यह फॉर्मेट नंबर को पोस्टल कोड, फोन नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर के रूप में प्रदर्शित करता है। आखिरी, कस्टम। यह फॉर्मेट यूजर को आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट बनाने की सुविधा देता है। बनाया गया फॉर्मेट फॉर्मेट लिस्ट में जुड़ जाता है। इकाई चतुर्थ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, पावर पॉइंट एक डैश सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट इज अ डैश सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस: ए प्रेजेंटेशन, बी स्प्रेडशीट, सी वर्ड प्रोसेसिंग, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। उत्तर है ए प्रेजेंटेशन। सेकेंड, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है? Which of the following features is not available in PowerPoint? Options: A. Slide Master, B. Design Template, C. Mail Merge, D. Charts. Answer है C. Mail Merge. तीसरा, स्लाइड में प्रयोग की जाने वाली पूर्व निर्धारित बैकग्राउंड, फॉन्ट्स, बुलेट्स आदि की डिजाइन को कहा जाता है। Predefined designs of background, fonts, bullets, etc. that can be used with slides is called. Options: A. Slide Master, B. Theme, C. Layouts, D. Auto Content. Answer है B. Theme. Fourth, सभी स्लाइड पर एक समान लेआउट डिजाइन का प्रयोग करने हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। To use a similar layout and design on all slides, following will be used. Options: A. Slide Layout, B. Slide Master, C. Outline View, D. Slide Show. Answer है B. Slide Master. Next, निम्न में से कौन सा view PowerPoint पर उपलब्ध नहीं है? Which of the following views is not available in PowerPoint? Options: A. नॉर्मल व्यू, बी आउटलाइन व्यू, सी पेज व्यू, डी नोट्स व्यू। आंसर है सी पेज व्यू। नेक्स्ट, टेक्स्ट, इमेज अथवा अन्य तत्वों को स्लाइड पर विशिष्ट व्यवस्था को डैश कहा जाता है। डैश आर स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर एलिमेंट्स ऑन अ स्लाइड। आंसर है सॉरी ऑप्शंस A. Slide Master, B. Auto Content, C. Design Templates, D. Layouts. Answer है D. Layouts. Next, presentation में नई slide जोड़ने के लिए shortcut key का प्रयोग किया जाता है।
शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। ऑप्शंस ए कंट्रोल प्लस एन, बी कंट्रोल प्लस पी, सी कंट्रोल प्लस आई, डी कंट्रोल प्लस एम। आंसर है डी कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को डुप्लीकेट करने हेतु किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की यूज टू डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। ऑप्शंस ए कंट्रोल प्लस एन, बी कंट्रोल प्लस डी, सी कंट्रोल प्लस आई, डी कंट्रोल प्लस एम। आंसर है बी कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड लाने के कमांड है। द कमांड टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन टू एमएस पावर पॉइंट इज। ऑप्शंस ए कंट्रोल प्लस एम, बी कंट्रोल प्लस एन, सी कंट्रोल प्लस ओ, डी नन ऑफ द अबाव। आंसर है बी कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स इज नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट। ऑप्शंस ए PPTX, बी PPT, सी PPTG, डी POTX। आंसर है सी PPTG। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रिंटिंग फॉर्मेट पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंटिंग फॉर्मेट इन पावर पॉइंट। ऑप्शंस ए स्लाइड, बी हैंगआउट, सी वेब पेज, डी नोट्स पेज। आंसर है सी वेब पेज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फॉर्मेट एक पेपर शीट पर कई स्लाइड्स प्रिंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स प्रिंट मल्टीपल स्लाइड्स ऑन अ सिंगल पेपर शीट। ऑप्शंस ए स्लाइड, बी हैंगआउट, हैंड आउट, सी आउटलाइन, डी नोट्स पेज। आंसर है बी हैंड आउट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फॉर्मेट स्लाइड्स के साथ स्पीकर नोट्स भी प्रिंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट प्रिंट स्पीकर नोट्स विथ अलोंग विथ स्लाइड। ऑप्शन ए स्लाइड, बी हैंड आउट, सी आउटलाइन, डी नोट्स पेज। आंसर है डी नोट्स पेज। नेक्स्ट, निम्न में से कौन स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ऑप्शंस ए एक्सेल, बी लोटस 1-2-3, सी पावर पॉइंट, डी विसीकेल। आंसर है सी पावर पॉइंट। एक्सेल में रो तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। इन एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। ऑप्शंस ए सेल, बी रेंज, सी फॉर्मूला, डी फंक्शन। आंसर है ए सेल। वर्कशीट के समूह को डैश कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस ए डॉक्यूमेंट, बी वर्ड बुक, वर्क बुक, सी प्रेजेंटेशन, डी लेजर। आंसर है बी वर्क बुक। नेक्स्ट, एक्सेल 2007 और 2010 की एक वर्कशीट में डैश होते हैं। अ वर्कशीट इन एक्सेल 2007 और 2010 कंटेन्स। ऑप्शंस ए 256 रोज एंड 65,536 कॉलम्स, बी 16,384 कॉलम्स एंड 66,636 रोज। नेक्स्ट, 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज। नेक्स्ट, 128 रोज एंड 128 कॉलम्स। आंसर है सी 16384 कॉलम्स एंड 104856 रोज। नेक्स्ट, एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को बदलने हेतु किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। विच फंक्शन की इज यूज टू एडिट कंटेंट्स ऑफ सेल इन एक्सेल। ऑप्शंस है F1, B F2, C F3, D F4। आंसर है B F2। नेक्स्ट, एक्सेल में साधारण फॉर्मूला में
अ सिंपल फॉर्मूला इन एक्सेल। ऑप्शंस ए कई गणितीय ऑपरेशन हो सकते हैं, कैन कंटेन मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बी केवल एक ही गणितीय ऑपरेशन हो सकता है, बी कैन कंटेन ओनली वन मैथमेटिकल ऑपरेशन, सी केवल रेफरेंस हो सकता है, सी कैन कंटेन ओनली रेफरेंस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आंसर है बी केवल एक ही गणितीय ऑपरेशन हो सकता है, कैन कंटेन ओनली वन मैथमेटिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट, एक्सेल में निरपेक्ष एब्सोल्यूट एड्रेस को प्रदान करने हेतु निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एन एब्सोल्यूट एड्रेस इन एक्सेल इज डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। ऑप्शंस ए डॉलर, बी हैश, सी एट द रेट, डी परसेंटेज। आंसर है ए डॉलर। नेक्स्ट, एक्सेल में रेंज प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉल इज यूज टू रिप्रेजेंट रेंज इन एक्सेल। ऑप्शंस ए हैश, बी डैश, सी डॉलर, डी कॉलन। आंसर है डी कॉलन। नेक्स्ट, डैश फॉर्मेट का प्रयोग सामान्य मुद्रा संबंधित संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। डैश फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर जनरल मॉनेटरी वैल्यूज एंड डिस्प्लेस डिफॉल्ट करेंसी सिंबल्स विद नंबर्स। ऑप्शंस ए नंबर, बी करेंसी, सी टेक्स्ट, डी कस्टम। आंसर है बी करेंसी। लास्ट, निम्न फॉर्मेट यूजर को उसकी आवश्यकता अनुसार फॉर्मेट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। द फॉलोइंग फॉर्मेट अलाउज यूजर टू डिफाइन रिक्वायर्ड फॉर्मेट कोड। ऑप्शंस ए नंबर, बी करेंसी, सी टेक्स्ट, डी कस्टम। आंसर है डी कस्टम।